तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 23 जुलाई 2020 और आज इस वीडियो में हम आज के दिन की हर एक क्रिकेट खबर के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन की जो सबसे पहली खबर है वो निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के मैचों की टाइमिंग्स को लेकर। इसके अलावा दोस्तों आईपीएल 2020 के कमेंटेटर्स के ऊपर भी एक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्रेंट बोल्ट, साथ ही में इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज और इसके अलावा मोटेरा स्टेडियम के ऊपर भी काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और आज इस वीडियो में हम 23 जुलाई 2020 की हर एक क्रिकेट खबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस अब अगर आज के दिन की सबसे पहली खबर के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रही है इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज को लेकर। दरअसल दोस्तों अभी क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड ने बीसीसीआई को एक प्रपोजल दिया है। उसमें दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि यूएई में आईपीएल 2020 से बिल्कुल ठीक पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज रखी जाए। पहले भी दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम कई बार कोशिश कर चुकी है भारत के साथ सीरीज खेलने की। मार्च में तो वो रद्दी हो गई थी, अगस्त में भी इन दोनों के बीच एक सीरीज खेले जाने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन दोस्तों फाइनली अब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड सितंबर में भारतीय टीम के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज यूएई में खेलने की प्लानिंग कर रहा है। तो गाइस अब इसके ऊपर बीसीसीआई क्या रिप्लाई देती है वो हमको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो गाइस अब अगर आज के दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के मैचेस की टाइमिंग्स को लेकर। गाइस अभी कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से आईपीएल 2020 के मैचों की टाइमिंग्स भी ऑलमोस्ट पूरी कंफर्म हो गई है। जिन टाइमिंग्स को अपनाने की बीसीसीआई भारत में कोशिश कर रही थी अब उसी टाइमिंग्स पर सभी मैचेस यूएई में स्टार्ट होते हुए हमको दिख सकते हैं। इस टाइम दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से आईपीएल 2020 के सभी मैचेस यूएई में हमको शाम 7:30 बजे से स्टार्ट होते हुए दिख जाएंगे। तो 7:30 बजे की टाइमिंग्स इस वक्त भारतीय समय के अनुसार इस वक्त इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से निकल कर आ रही है। तो गाइस अब अगर आज के दिन की तीसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रही है दोस्तों आईपीएल 2020 के कमेंटेटर्स को लेकर। दरअसल दोस्तों अभी बीसीसीआई भारतीय सरकार से पूरे संपर्क में तो है ही है कि क्या हम आईपीएल 2020 को यूएई में करवा सकते हैं, क्या हम सभी खिलाड़ियों को यूएई में लेके जा सकते हैं। भारतीय सरकार ने अभी तक तो इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब बीसीसीआई ये प्लानिंग कर रहा है कि जितने कम से कम खिलाड़ियों को वहां लेके जाया जाए उतना ही ठीक है। इस समय बीसीसीआई ये सोच रही है कि जो कमेंटेटरी पैनल, जो इतने सारे कमेंटेटर्स भी आईपीएल के मैचेस के साथ हर जगह जाते हैं उसको ख़त्म किया जाए, यानी कि दोस्तों जो भी आईपीएल के मैचों की कमेंट्री होगी वो भारत से ही होगी। और इससे एक तो बीसीसीआई को इतने कमेंटेटर पैनल्स को वहाँ नहीं लेके जाना पड़ेगा और इससे खर्चा भी बचेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हर जगह बीसीसीआई को फायदा होगा। तो गाइस अब अगर आज के दिन की चौथी सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रही है ट्रेंट बोल्ट को लेकर। दोस्तों अभी कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ट्रेंट बोल्ट इस समय आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर ऐसी कुछ रिपोर्ट तो केन विलियम्सन को लेकर भी आ रही है, लेकिन उनकी रिपोर्ट इतनी क्लियर नहीं है जितनी ट्रेंट बोल्ट की है। ट्रेंट बोल्ट दोस्तों इस समय कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2020 में खेलने का कोई ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं और इसके भी चांसेस है कि शायद ट्रेंट बोल्ट हमको इस साल मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए ना दिखे। हालांकि वो अपना नाम वापस लेते हैं, वो क्या सिस्टम करते हैं वो आने वाले दिनों में हमें पता ही चल जाएगा। तो गाइस अब अगर आज के दिन की पांचवी और अंतिम सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रही है मोटेरा स्टेडियम को लेकर। दोस्तों आप जानते ही है कि इस साल जनवरी फरवरी में ही मोटेरा स्टेडियम पूरी तरह से रेडी हो गया था और उसके बाद से ही मोटेरा स्टेडियम में मैच करवाने की लगातार बातें चल रही थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने मोटेरा स्टेडियम के ऊपर ये अपनी स्टेटमेंट दी है कि जब आईपीएल के लिए खिलाड़ी सभी रवाना होंगे यूएई में, तब उससे कुछ समय पहले ही जो भी खिलाड़ियों का चेकअप होगा उससे प्री मैच ट्रेनिंग जो भी होगी वो मोटेरा स्टेडियम में ही रखी जाएगी और वहीं से सभी खिलाड़ी यूएई के लिए आईपीएल खेलने के लिए रवाना होंगे। तो गाइज यह थी 23 जुलाई 2020 की पांच सबसे बड़ी खबर। तो गाइज आपके हिसाब से
क्या इस साल आईपीएल 2020 पहले की तरह धमाकेदार होगा और कौन सी टीम इस साल जीत सकती है, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।